नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हम अपने नेता के दम पर हैं और अपने नेता के दम पर आगे बढ़ेंगे। वैसाखी की हमें जरूरत नहीं है। यह बयान जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का है। आरसीपी सिंह आज जदयू कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फूले की जयंती पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया। उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने यह बयान दिया है। हालांकि शुरुआत उन्होंने कोरोना की टीका से की कि जेडीयू के सात निश्चय पार्ट टू में यह कहा गया था कि बिहार के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाएगा, तो उसी की तैयारी चल रही है। और इसी के लिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, साथ ही बिहार की तुलना अमेरिका से भी कर डाली। सुनिए आरसीपी सिंह को। प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। देखिए, कोरोना जो महामारी पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, और आप सब अवगत हैं कि बिहार में जिस प्रकार से कोरोना महामारी से लड़ने की व्यवस्था हमारे नेता नीतीश बाबू ने किया है, कोई भी पैमाना अगर आप लिखिएगा, चाहे मोर्टलिटी रेट हो, चाहे जितना भी सैंपल टेस्ट कराने का हो, सब में अव्वल दर्जे पर है। और यही कारण है कि जहाँ अमेरिका से देश में मोर्टलिटी रेट 2-3% है, हिंदुस्तान में अपना पूरे देश में 1.45 है और हमारे प्रदेश में 0.55 है। तो ये हम लोगों के लिए और अच्छी खुशखबरी है कि जो व्यवस्था बिहार में की गई कोरोना से बचाव के लिए, और जब ये वैक्सीन आ जाएगा, और आपने देखा होगा कि जो हम लोग का सात निश्चय पार्ट टू का जो घोषणा हुई है, उसमें एक प्रमुख घोषणा यही है कि पूरे बिहार के लोगों को कोरोना का टीका जो है सरकार मुफ्त में लगाएगी। और हमारे नेता का जो संकल्प है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है, और विकसित प्रदेश के साथ साथ स्वस्थ बिहार। तो स्वस्थ बिहार कैसे होगा, तो कोरोना से महामारी से लड़ने की मुकम्मल व्यवस्था हो जाएगी। और ये मुकम्मल व्यवस्था तभी होगी जब सभी बिहारवासियों को मुफ्त में टीका हमारी सरकार द्वारा लगवा। लेकिन अखिलेश यादव जो है इसका विरोध कर रहे हैं, टीका नहीं लगवाने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी का टीका है। बीजेपी का टीका, देखिए ऐसा है, टीका किसी पार्टी का नहीं। टीका जो है क्यों लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है कि उस रोग से लड़ने के लिए उसमें क्षमता जो है, प्रतिरोध की क्षमता होनी चाहिए। और इसमें कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन और किसी पार्टी न्यूट्रल, और ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक शोध के आधार पर होता है। आप देखते हैं इसका कई स्टेज पर ट्रायल होता है, इसकी फिकेसी पर बहुत सारे रिसर्च होते हैं, और तब जाकर के होता है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसमें राजनीतिक ना रोटी सेकना चाहिए ना पराठा बनाना चाहिए। ये जो है शुद्ध रूप से मानवता के लिए संघर्ष है, और उसमें सब लोगों को मिलकर के काम करना। तो अभी आप सुन रहे थे जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को, जिन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें किसी के वैसाखी की जरूरत नहीं, वो नीतीश कुमार यानी अपने नेता के दम पर आगे बढ़ेंगे, पार्टी भी आगे बढ़ेगी। आरसीपी सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला लिया गया था हाल में, जो जेडीयू की बैठक हुई थी। नीतीश कुमार को उनसे यह उम्मीद है कि उनकी नेतृत्व में जेडीयू बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी अपना पैर पसारने में कामयाब होगी। उन संगठन जो है जेडीयू का वो मजबूत होगा, और इसके अलावा बिहार में जो जेडीयू लगातार कमजोर होते जा रही है, शायद उसका संगठन बिहार में फिर से मजबूत हो, और पर्दे के पीछे खेल जो है दूसरे राजनीतिक दलों के साथ, वो खेल अब आरसीपी सिंह करेंगे। क्योंकि पहले नीतीश कुमार को भी यही ये नीति अपनानी पड़ती थी, क्योंकि एक तो सीएम भी हैं, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तो दोहरी काम उनसे नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से उन्होंने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और देखना होगा कि आरसीपी सिंह के नेतृत्व में जेडीयू कितना आगे बढ़ती है, बिहार में उसका संगठन कितना मजबूत होता है, और बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में वो संगठन कितना मजबूत करने में कामयाब होती है। बंगाल में जल्द से चुनाव होने हैं, चुनाव में ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी के सामने अपने कैंडिडेट उतारने वाली है, तो कितने मजबूती के साथ उतारेगी ये देखे जाएगा जब बिहार बंगाल का चुनाव होगा। फिलहाल आरसीपी सिंह सक्रिय मोड में है और जेडीयू के संगठन को मजबूत करने के लिए शायद कोई कसर ना छोड़े। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। एचएस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।